चलो भाई, ये थी स्वच्छता के लिए एक छोटी सी पहल जो कि हो गई है। क्यों स्वच्छता करेगा नहीं करेगा? ये देखो भाई दोस्तों, अब ना ऐसा हो गया भाई तो... फिलहाल दोस्तों अपनी माँ भी अब बिल्कुल रेड पैट हो गई है। सुबह सुबह ना घास के ले गई, अब बिल्कुल रेड पैट हो गई अपनी ड्यूटी की तरफ, जो है ना इतनी तेज है कि इस धूप में ना काम करके ना ऐसे हाल हो रहे। देखो स्वच्छता तो कर रहा है पर अमरूद के पेड़ की है ना जल ये रखा है, दर्द मुझे हो रहा है। देखो अंगार बाहर आ रहे हैं, देखो एक एक करके, देखो ये देखो आज की जो वीडियो की शुरुआत हो रही है दोस्तों, वो हो रही है चमचमाती हुई धूप के साथ और बिल्कुल क्लियर मौसम के साथ। आसमान में ना आपको अभी एक भी बादल देखने को नहीं मिलेगा, पूरा जो वेदर है दोस्तों एकदम क्लियर हो रखा है। साथ ही में दोस्तों यहाँ पे आप एक घास का फंचू देख सकते हो, तो अभी जस्ट इसको लेके आया हूँ, माँ ने इसको काट दिया था, अब इसको लेके जाना है मुझे दोस्तों गौशाला में। उससे पहले वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारी इस प्यारी सी वीडियो में, देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से और मेरे प्यारे से गाँव एरोली से जो कि पौड़ी गढ़वाल के बिरोखाल ब्लॉक में पड़ता है। अभी ठीक दोस्तों 8:30 का टाइम हो रहा है और मौसम बिल्कुल क्लियर है, तो धूप जो है ना वो बहुत ज्यादा तेज लग रही है और हालत इतनी खराब हो रही है ना ऐसे काम करने पे। ज्यादा दूर से नहीं लाया पर इतने से ही लाया, बट इतने में ही ना दोस्तों पसीने से हालत खराब हो गई। फिलहाल दोस्तों अपनी माँ भी अब बिल्कुल रेड पैट हो गया है, सुबह सुबह ना घास के ले गई, अब बिल्कुल रेड पैट हो गया अपनी ड्यूटी की तरफ। तो माँ निकल रही है सदुखाल की तरफ, तो आज क्या क्या ड्यूटी है? हाँ क्या है, क्या निकल रहा है पिटारे से? अच्छा दवाइयाँ, अच्छा ये बच्चों को पिलानी है? ये है आयरन सिर्फ, छोटे बच्चों को पिलानी है। अच्छा इससे होती है खून की कमी नहीं होती है। ओहो मुक्त भारत कार्यक्रम चल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। बच्चों को, छोटे बच्चों को 6 माह से और 59 माह के बच्चों तक, 6 माह से 59। अच्छा माँ के बच्चों को देनी है। बिल्कुल बिल्कुल, हफ्ते में 2 बार। अच्छा एक एम एल। अच्छा अच्छा ठीक हाँ। और ये उनके माताओं को देनी है, ये है हमारी 18 से 49 वर्ष तक की महिलाओं के लिए। अच्छा ये देनी है हफ्ते में एक गोली। अच्छा एक महिला ने खानी है ठीक है। ओके साथ ही में देखो ये है मंडवा और इतना हो रखा है, देखो इस बार इसको भी लेके माँ जा रही है कदोला, क्योंकि कदोला के रास्ते जाएगी ना तो इसको चक्की में देना था, इसको पिसाना है, फिर जो इससे आटा क्या बनता है दोस्तों वो बनता है चूने का, जिसको हमारे यहाँ बोलते हैं चूना पिस्यूं, तो उसको ना आटे के साथ मिलाया जाता है तब जाके रोटियाँ बहुत मस्त होती है। तो चलो तब माता जी, बाय बाय। पर जो थोड़ा सा हुआ ना जो आयरन शिल्प का ना उस वीडियो को थोड़ा मेरे लिए दे दीजिए। अच्छा ठीक है बिल्कुल ओके सर, ओके ओके मैम। भाई माँ तो निकल गई है, सब्जी भी लेके जा रहे हैं। माँ किसके लिए लेके जा रहे हैं? अच्छा बुआ के लिए। और धूप लग रही है तो देखो छाता भी खुल गया है, तो चलो तब है, बाय बाय ओके ओके। डाली डाली फूलों की तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड। चलो भाई अब ना घास का जो फंचू क्या है इसको भी लेके चलते हैं सीधा गौशाला की तरफ, तो फटाफट से काम निपटाते हैं क्योंकि ना धूप जो है ना बढ़ती जा रही है भाई। गीत सुनाए मीठे मीठे मेरे उत्तराखंड में। यहाँ देखो भाई दोस्तों जैसे रास्ते में आगे बढ़े ना इस वाले भीड़ में देखो मेंढक है, और देखो भाई साहब अचानक से डर लग गया भाई इसको देख के, धूप में मेंढक देखने को मिल रहा है भाई, वाह तभी तो है वो। दादाजी भी अभी देखो घास लेके आ रहे हैं पसीने से तर बतर भाई। दादी भी दोस्तों सुबह सुबह लग गई थी अपने आंगन की ना सफाई करने पे, तो ये देखो बिल्कुल आंगन जो है ना साफ कर दिया है, बट इस वाले घर के अंदर ना मतलब दादी के घर के अंदर अंगार वगैरह भी हो रखे है, तो अब दादी टेंशन में आ गई है क्योंकि यहाँ धुआं वगैरह लगाया ना, तो देखो अंगार बाहर आ रहे है, देखो एक एक करके, देखो ये देखो भाई तो अब ना जैसे जैसे धुआं बढ़ते जा रहा है तो अंगार बाहर आते जा रहे हैं। तो इस तरफ को है दोस्तों खूब सारी मधुमक्खियां, यहाँ पे उनका छत्ता है और यहीं पे ना 2-3 अंगार भी है, तो यहाँ से ना शायद धुआं जा रहा होगा तब जाके वो उधर से इस साइड को आ रहे हैं। दादी ने तो चमका दिया है दोस्तों लगभग लगभग पूरा का पूरा आंगन अरे सबकी यही कहानी है दोस्तों, गांव में ना सभी कुत्तों से परेशान हो रखे हैं,
तो क्या बोले यार। चलो कोई बात नहीं है, चलो तब दादी है, हम जा रहे घाव लेके गौशाला में। लगे रहो आप, ये देखो दादी की जो सफाई चल रही है ना दोस्तों, वो कुदाल से नहीं, वो चल रही है पढ़ाई से। तो पढ़ाई से देखो, पुरानी वाली पढ़ाई है ना बिल्कुल लोहे की, तो उससे देखो सफाई चल रही है। अरे वाह, लगे रहो तब है। चलो भाई अभी ना गौशाला में पहुंच गया हूँ। ये है अपनी काली कमली, ये है अपना लालू, और फिलहाल लालू को लग गया सुसु। लालू भी सुसु कर रहा है भाई। बाकी हमारी एक और गाय है, वो जा रखी है चरने के लिए। फिलहाल अब दोस्तों ना बारिश का जो टाइम है वो भी खत्म हो गया है, तो गौशालों की जो ना अब सफाई वगैरह करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो फटाफट से ना इस वाले काम को निपटाते हैं, इसकी पूरी सफाई करते हैं। चलो भाई यहाँ पे ना अच्छे से सफाई हो गई है, और यहाँ पे सफाई करना भी इसलिए जरूरी था क्योंकि ना अब ठंडियों का टाइम आने वाला है। तो यहाँ पे देखो एक कील है जहाँ पे ना गाय वगैरह को बाहर बांधा जाता है क्योंकि धूप वगैरह सेकने के लिए ना, तो इसकी सफाई करना बहुत ज़्यादा जरूरी थी। चलो ये भी हो गई है। धूप जो है ना इतनी तेज है कि इस धूप में ना काम करके ना ऐसे हाल हो रहे, देखो भाई बहुत भयंकर वाली धूप है भाई। चलो भाई अभी घर भी आ गया हूँ दोस्तों, और अब जाऊँगा सीधा पंद्रह की तरफ, तो पानी वगैरह लेके आना है। आजकल दोस्तों बारिश हो रही है बट तब भी ना पानी बिल्कुल नहीं है भाई ये गांव में, मतलब जो पानी है ना वो आ ही नहीं रहा, तो पंद्रह से पानी लाना पड़ता है। तो अपना डब्बा हो गया है तैयार, तो फटाफट निकलते हैं पंद्रह की तरफ। ताऊ जी भी आ गए भाई दोस्तों गश्त मार के। तो ताऊ जी कहाँ से हो रही है आपकी गश्त? अच्छा पंद्रह से। आप भी पंद्रह गए थे नहाने के लिए पानी के लिए? अच्छा दोनों काम कर दिया है। में दोस्तों आयुष भी मेरे साथ पंजेरे आ रहा है, और जो आयुष की अब हालत क्या है वो काफी ज्यादा सुधर गई है मेरे को लग रहा है, क्योंकि जिस हिसाब से एनर्जी आ रखी है उस हिसाब से। तो कैसी है अब पेट? वैसी है। दर्द हो रहा है ज्यादा क्या? नहीं। और जो वो बलून बलून टाइप के फूल रखे थे वो फूट गए? फूट गए। दर्द हुआ? नहीं हुआ। दिखाना कैसे हो रहा है अब? ये देखो भाई दोस्तों अब ना ऐसा हो गया भाई, चलो ठीक हो जाएगा, दवाई लगी रही है। और एक वाला देखो अभी ये भी हो रखा है, डर मार जल ये रखा है, दर्द मुझे हो रहा है। नलों के जो हाल है दोस्तों वो कुछ इस तरीके से हो रखे, देखो एकदम सूखा सूखा हो रखा है, और ऊपर से पत्थर रख रखा है क्योंकि ये नल टूट गया होगा इसीलिए। कर रखा है चाची पत्थर क्यों रख रखा है नल में? नल टूट गया। अच्छा नल टूट गया है, कल तोड़? तुम ले तो नहीं तोड़ पक्की बात। ओहो, और पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था ना कि गांव में ये रेलिंग का काम हो रखा है, तो ये पंद्रह साइड भी हो रखा है, और यहाँ से ना देखो कुछ दूरी तक लगे हुए हैं, ठीक देखो यहाँ तक। चलो भाई अभी पंद्रह में पहुंच गया है, अपने डब्बे वगैरह भी भर गए हैं, तो फटाफट निकलते हैं पंद्रह में। तो आजकल खूब सारा पानी हो रखा है भाई। पंद्रह में पहुंचते ही यहाँ देखो अमरूद खाए जा रहे हैं, एक हमें मिल गया है। चलो बहुत बहुत धन्यवाद बुला, कब बढ़ जाओ तुम पक्की बात? फिर चारी गए माँ के सब सच में? आयुष भाई कहाँ से आए अमरूद? वैसे चाचा जी बोल रहे बोल तुम चोरी करके लाए हो पेड़ से वाला मारे। अमीषा भी दोस्तों आज ना लड़धुरा बन रखी है, तो यहाँ देखो कितने सारे कपड़े लेके आ रखे है, कंबल भी ला रखी है, चादर भी ला रखी है, और कपड़े तो फिर तो होंगे होंगे। अमीषा कब से रख रखे? एक साल। ओहो एक साल के बाद आज ही धुलाई हो रही है, चलो बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, एक साल बाद आप कपड़े धोने आ गए, जल्दी कर दिया आपने, थोड़े से दो तीन साल बाद आते तो बढ़िया रहता और जमा हो जाते है ना। अभी और भी जी? अरे चलो कोई बात नहीं, आराम आराम से धोना था मैं। अब क्या है कि दोस्तों ना डब्बों की अदला बदली होगी, तो आयुष इसको ले जाएगा, मैं ले जाऊंगा इसको, ठीक है? चलो तब है, चल पकड़ फिर अपना डब्बा। क्या एक्शन थोड़ी करना है, डब्बा ले जाना असली में। मैंने तो पकड़ लिया, मैं जा रहा हूँ। चल हाँ, ओ हाँ
ओके बाय बाय। निकाल दे ना। निकाल दे। चल छोड़ रहने दे, तू अपना ही पकड़ जा। फिलहाल अभी दोस्तों मैं ठीक अपने गांव के ना आंगनबाड़ी में पहुंच गया हूँ, यानी महिला मिलन केंद्र में पहुंच गया हूँ। तो यहाँ ना गांव की सभी महिलाएं पहुंच गए हैं, तो जो स्वच्छता अभियान है उसके तहत दोस्तों यहाँ पे थोड़ी सी सफाई चलेगी और शपथ ग्रहण की जाएगी। मैं ना तो स्वयं गंदगी करूंगी, ना किसी और को करने दूंगी। मैं अपने परिजनों तथा मित्रगणों को गंदगी ना फैलाने के विषय में जागरूक करने का प्रयास करूंगी तथा गंदगी के कारण होने वाली स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं की जानकारी देकर स्वच्छता रखने के लिए प्रेरित करूंगी। मैं अपने घर कार्यालय एवं सार्वजनिक स्थानों को गंदगी से मुक्त रखकर देश को स्वच्छ रखने की शपथ लेती हूँ। जय भारत। तो शपथ लेने के बाद दोस्तों अब सभी महिलाएं लग गई है साफ सफाई के काम पे, लगे रहे हैं ढंग से करे आए। चलो भाई, ये थी स्वच्छता के लिए एक छोटी सी पहल जो कि हो गई है। क्यों स्वच्छता करेगा नहीं करेगा? स्वच्छता तो कर रहा है पर अमरूद के पेड़ की है ना। पेड़ को साफ ना। जितना अपराध चोरी करने वाले का होता है उतना ही खाने वाले का भी होता है। तुम खा क्यों रहे थे फिर? मुझे क्या पता चोरी का। तुम खा क्यों रहे थे फिर? हमें क्या पता चोरी का। तो तुम ऐसे खा लोगे है ना? मैंने फेंक दिया था ना आयुष। जितना चोरी करने वाले का अपराध है उतना खाने वालों का भी अपराध होगा। खाओ तो तुम बड़े चाह से रहे थे। सबको बराबर दंड मिलेगा भाई। फिलहाल दोस्तों जो अपनी पूर्वी नहर का जलस्तर क्या है दोस्तों वो भी काफी कम हो गया है, और परसों तक तो बिल्कुल मटमैला पानी हो रखा था। नदी भी बड़ी उफान पे थी, अब नदी बढ़िया भी हो गया है, साफ भी हो गया है। पानी जो है थोड़ा सा कम हो गया है पर बढ़िया हो गया है। चलो भाई घर पहुंचते हैं ना, एक गिलास छाछ मिल गई है। काफी टाइम बाद भाई दोस्तों आज छाछ मिल रही है भाई, मतलब छाछ पीने को मिल रही है। ठीक शाम का टाइम हो गया है दोस्तों और माँ लगी है अभी चौलाई की सफाई करने पे। तो चौलाई को ना बालियों से तो अलग कर दिया था, बट उसमें अभी काफी ज्यादा कूड़ा है, तो माँ उसको सुप्पे से छीट रही है और साफ कर रही है। बाकी यहाँ देखो करेले के सुखे जो है ना वो भी बढ़िया से सुखा दिए है, और इस तरफ भी सुखा रखे हैं। तो माँ को बहुत ज्यादा पसंद है भाई करेले की सब्जी ना, तो इसलिए सुखा रखे हैं। फिलहाल जो आयुष भाई हैं उनके पेट पर लगातार से दवाई लगाई जा रही है, और इसमें नारियल का तेल भी लगा रहे हैं, और एक दवाई है कोई मतलब ऐसे कलर की ना, जो देखो कलर सब आप देख रहे होंगे, तो वाली दवाई लगा रहे हैं। तो अभी देखो कुछ ऐसी कंडीशन हो गई है, दर्द तो नहीं हो रहा ज्यादा कि ठीक है, मतलब ठीक है ना, पक्की बात। और फिलहाल जो अपने पापा जी क्या है दोस्तों, तो उनकी यात्रा ना अभी भी चली रही है, तो काफ़ी लंबी यात्रा उनकी हो गई है। तो कुमाऊँ से वो सीधा निकल गए हैं दोस्तों जसपुर खाल की तरफ, और जसपुर खाल जा रखे हैं मोमो गांव से फिर दूसरे मोमो गांव चले गए हैं। तो यात्रा जो है पापा जी की अभी लंबी चल रही है, तो सारे रिश्तेदारी बढ़िया से पापा निभा के आ रहे हैं। और दूसरे मोमो गांव से मेरा मतलब है कि चाची के गांव। आप लोगों के कमेंट बड़े खतरनाक से रहते हैं,
तो दूसरे मोह गाँव जा रखे हैं, यानी चाची के गांव जा रखे हैं। गिलाई में पहुंचते ही भाई दोस्तों यहाँ देखो कहाँ जा रखा है दोस्तों बात करने के लिए। ये नीचे है कूड़ादान और ऊपर कूड़ेदान के ऊपर बैठ रखा है और वहाँ मस्त फोन में बातें कर रहा है भाई। आशिक है ये ये चोर नहीं है, मैं क्या कर इसके लिए एक गाना राकेश भाई की तरफ से। राकेश भाई जरा गाओ, आप फोकस करो, गाड़ा देगा। आशिक है ये चोर नहीं है, मैं क्या करूँ, दिल पे कोई जोर नहीं है, मैं क्या करूं, ये दिल दीवाना दीवाना है ये दिल और चालाक कितना है, चप्पल बनाने लग गया चालाक ही। देखो भाई भाई की फिलहाल दोस्तों मैं रोड से ना नीचे वाली साइड आ गया हूँ, यानी रोड बाय रोड ही जा रहा हूँ, तो सारी की तरफ जाऊंगा। उधर बल हमारे बैल वगैरह हैं, उनको ही ढूंढ के लाना है। दादी लोग भी भाई दोस्तों घूमते घूमते ना इस साइड आ रखे हैं और यहाँ देखो कितने बड़े वाले पत्थर में बैठ रखे, मस्त छुई पते चल रही है। हाँ मस्त मजा आई तो चलो लगे रहो तब है छुई पाती। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, और क्या क्या तू बस। हाँ सही बात, क्या लेके आए थे, क्या लेके जाओगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल एंजॉय। हाँ अभी जो हमारा बैल क्या है दोस्तों, उसको ढूंढते ढूंढते ना नीचे साइड आ गया हूँ, बट ना बैल तो कहीं नहीं दिखाई दे रहा। बट अभी मैं उसी जगह पे हूँ जहाँ पे ना आपको बताया था कल की वीडियो में लैंडस्लाइड वाला जोन, तो ये वाला वो जोन है सबसे ज़्यादा दोस्तों यहीं पे टूटता है। फिलहाल यहाँ से ना तल्ली अरली गाँव का भी खूबसूरत सा नज़ारा देखने को मिलता है, बड़ा खूबसूरत, बड़ी खूबसूरत लोकेशन में ना दोस्तों तल्ली अरली भी बना, बड़ी खूबसूरत लोकेशन में ना तल्ली अरली जो गाँव है ना वो बसा हुआ है। ये देखो बिल्कुल सैंड टाइप का है और मस्त लोकेशन है ना। फिलहाल जो खेती हो रही है ना यहाँ भी पूरी चौलाई की खेती है और यहीं से आपको नीचे तरफ देखने को मिलेगा। तो ये खूबसूरत सा गांव दलमोटा गांव है और यहाँ की खेती भी बढ़िया होती है क्योंकि कम लोग हैं, जितनी भी खेती हैं वो अच्छे से करते हैं, मतलब बढ़िया से करते हैं।